हाल के लोकसभा चुनाव में अखिलेश आपने देखा होगा पुलिस भर्ती परीक्षा कितना बड़ा मुद्दा बना था। इसमें पेपर लीक हुआ था जिस वजह से ये परीक्षा रद्द हुई थी। अब इस परीक्षा को दोबारा कराया जा रहा है और मैंने आपको तिथियां बता दूं कि ये 23, 24, 25 अगस्त को है। इसके बाद जन्माष्टमी पड़ेगी, जन्माष्टमी की छुट्टी दी गई है और 30 और 31 अगस्त ये 5 दिन परीक्षा होगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारी की जाएगी। सभी जो केंद्र होंगे परीक्षा केंद्र, उनमें 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर पाली में 5-5 लाख जो अभ्यर्थी होंगे वो परीक्षा देंगे। इस हिसाब से अगर आप जोड़ लें तो यानी 10 पालियाँ होंगी और सभी में अगर 5-5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो यानी कि 50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 60,000 से ज़्यादा भर्तियाँ होनी है और ये एक बड़ी परीक्षा है। पिछली बार ये परीक्षा रद्द हो गई थी पेपर लीक के कारण, लेकिन अब फिर से इसकी तैयारी की गई। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि जो भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है इसको 6 महीने में कराया जाए। जो पुलिस भर्ती परीक्षा जो बोर्ड है, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उसके अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी पेपर लीक के कारण। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, UPSTF ने गिरफ्तारियाँ की थी, छापेमारी की गई थी और एक बड़ा कॉकस निकल के आया था जो भर्ती परीक्षाओं में पर्चों को लीक कराने का खेल करता था। अब ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है, 5 दिन ये परीक्षा की जाएगी और चूंकि जो अभ्यर्थी इसमें दूर दराज से आएंगे उनके लिए ये भी सुविधा की गई है कि जो रोडवेज की बसें चलती हैं उन पर वो अपना प्रवेश पत्र दिखा करके निःशुल्क यात्रा अपने केंद्रों तक कर सकेंगे। यानी कि उनके आवागमन की विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर की जा रही है। और इस बार ये भी कहा गया है क्योंकि हाल ही में नकल विरोधी कानून पास किया गया है, पेपर लीक संबंधी कानून पास किया गया और उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ भारी भरकम सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो अब जो अगर पेपर लीक होगा तो सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तैयारियां कुछ इस तरह से की जाएंगी। चलिए अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जल्द ये परीक्षाएं फिर से आयोजित की जा रही है। संजय शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।